अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के करम से खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुसलसल 3 दिन से हमारे गांव में बारिश हो रही है, तो हालात जो है ना बहुत अबतर हो चुके हैं, क्योंकि गांव में कच्चे मकान होते हैं, तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, तो ये ऊँची जगह, इधर पानी नहीं रुका था, पानी सारा नीचे चला गया है। मैं आपको पीछे आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो फ्रेंड्स, मैं मतरूबा मत, आप देख रहे हो मतरूबा मत ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ बारिश की वजह से क्या माहौल हो गया है। ये कीचड़ कीचड़ हो गया बिल्कुल, कच्चे मकान होते हैं, परेशानी होती है गाइस। ये हमारे कुछ जानवर हैं, बेचारे कीचड़ में खड़े हैं। बारिश की वजह से एक व्यू तो बहुत खूबसूरत हो जाता है, दरख्त वगैरह साफ हो जाते हैं, फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है बारिश। बारिश का फ़ायदा भी है और ज़्यादा हो जाता है नुकसान भी है, क्योंकि गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं जिनके कच्चे मकान होते हैं। पक्के मकान वाले फिर भी गुजारा कर लेते हैं, और जो ताज़ा रोज़ी कमाते हैं और गुज़र बसर करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी बहुत परेशान होते हैं बेचारे। तो फ्रेंड्स, चेक करो बारिश के बाद ये कैसा माहौल हो गया हमारे गांव का। हमारे गांव में कीचड़ कीचड़ हो गया, ये देखें पानी कैसा हालात हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा है कि बारिश के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके नुकसानात होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं, गरीब लोग जो है बहुत परेशान होते हैं। और कम बारिश हो जाए तो फसल के लिए भी अच्छी होती है, इंसान की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो अब ये है कि थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गया, 2-3 दिन से बारिश हो रही है मुसलसल। तो वो मेरे बैक साइड पर देख सकते हो, वो भाई जो बैठा है ना, इसने कच्चे ब्लॉक बनाए थे। ये मजदूर है बेचारा, मजदूरी पर काम करता है, कच्चे ब्लॉक बनाए थे और वो बारिश की वजह से वो भीग गए हैं सारे, टूट जाएंगे। अल्लाह ना करे सारे टूट जाएं, उसकी मजदूरी जो है कुछ तो उसके काम आ जाए। अब वो बेचारा पानी निकाल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिट्टी के कच्चे ब्लॉक हैं, यानी ईंटें हैं, तो ये कच्ची ईंटें बनाते हैं लोग, दीवारें वगैरह बनाते हैं, तो ये अगर गिर गए नीचे, गल जाएंगे, मिट्टी में ख़राब हो जाएंगे, तो इस बेचारे की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने इसलिए कहा है कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका नुकसानात होते हैं गांव में, अगर कम बारिश हो जाए तो फिर फसल सही हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी के लिए मौसम जो है साजगार हो जाता है। तो बारिश हुई है फसल के लिए तो बहुत मुफीद है। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, ये चावल की फसल है, कैसे लहलहा रही है बारिश की वजह से। मगर जो इधर गांव में कच्चे मकान होते हैं और बेचारे गरीब लोग होते हैं जो पक्के मकान नहीं बना सकते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि बारिश के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ्रेंड्स, देखो ये मेरे बैक साइड पे, इसलिए मैं कह रहा था कि गरीबों बेचारों का नुकसान होता है जब मजदूर तबका है। तो अभी एक और भाई ने ये जो है ना ईंटें, कच्ची ईंटें बनाई थी ब्लॉक, क्योंकि ये गांव का माहौल है तो लोग इसी तरह पे गुजर बसर करते हैं कि लोगों ने कच्ची दीवारें बनाई होती हैं या जानवरों की वो जगह बनानी पड़ती है उनको, तो ये कच्ची ईंटें जो है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मोटे ब्लॉक होते हैं और दीवार थोड़ा मजबूत बन जाती है, मोटी दीवार बनाते हैं, तो उस बेचारों ने ये कच्ची ईंटें बनाई थी, तो ये बारिश की वजह से अब ये गल गई, ख़त्म हो गई, अब ये किसी काम की नहीं है, दोबारा बेचारे को मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा बना के उनको देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था गाइस कि बारिश के नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर दे शाने करीमी का सदका,
अता कर दे शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तो फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अगर अल्लाह ताला ने बारिश देनी है तो रहमत की बारिश दे, जहमत की बारिश ना दे। जैसे आप जानते हो कि कराची में क्या हालात हुए हैं बारिश की वजह से, पूरा कराची डूब चुका है बारिश की वजह से। पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी बारिश हुई है, मगर जो कराची के हालात हैं वो दूसरे शहरों से बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बहुत बारिश हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो अब तक के लिए इतना गाइज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।